फ्रेंड्स, मैं हूँ नगमा अशरफ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे से होगा। आज मैं आपको बता रही हूँ वाइट एग्लोनीमा। ये जो वाइट एग्लोनीमा है ना, ये इसी को मैं आज बता रही हूँ। वाइट एग्लोनीमा को, ये एग्लोनीमा तो होता है, लिपस्टिक प्लांट होता है 120 किस्म का, यानी 120 तरह का होता है, लेकिन हमने लगाया कम से कम 5-7 तरह का। मैं पहले भी आपको एग्लोनीमा के बारे में बता चुकी हूँ, लेकिन आज मैं बता रही हूँ इसके बारे में। ये देखिए, इसकी पत्ती देखिए, बीच में वाइटनेस है, इसीलिए इसको कहते हैं वाइट एग्लोनीमा कहते हैं। ये मेरा बहुत पुशी है, मेरा बहुत अच्छा है, घना है, बेहतरीन है। इसको शावर चाहिए और हफ्ते में एक दिन धूप चाहिए। इसलिए अभी तो ये इंडोर प्लांट है, लेकिन कभी कभी इसको धूप चाहिए तो मैं धूप देती हूँ। रहा सवाल इसके खाद मिट्टी का, तो इसकी खाद मिट्टी भी बिल्कुल वही है जो और पौधों में डालते हैं। ये देखिए यहाँ से एक बेबी निकल रहा है। ये एक है, एक दो है, एक तीन है, एक चार है, ये है, इस तरीके से है। इसमें ये मिट्टी है, खाद है, गोबर की खाद है, काउडन है, और कोई ख़ास बात नहीं। इसको शावर बहुत पसंद है। हम 4-5 दिन में, आजकल मौसम जो है ठंडे का है, इसलिए इसको 4-5 दिन में मैं 1 दिन पानी देती हूँ, और उसके बाद ये फिर कभी हफ्ते में 1 दिन इसको 1 घंटा धूप लगाती हूँ। लगाने के बाद फिर इसका देखिए, जैसे ही धूप लगेगा इसका, ये देखिए खूबसूरती, ये देखिए अब एक ये देखिए मेरा, ये भी बढ़ते चले जा रहा है। इसमें भी कितने बेबी निकले हुए हैं, ये वाला है। अब ये देखिए इसको आज ये ऐसे चिकना करने के बाद इसके अंदर देखिए कितने बेबी निकले हुए हैं। मैंने यहाँ से एक निकाल के ग्रो किया हुआ है, फिर ये देखिए एक नया बेबी इधर से निकला हुआ है। ये इसका प्लांट, एक प्लांट ये निकला हुआ है। इसी तरीके से ये मेरा बढ़ता जाता है, लेकिन स्पेशल ये है। मैं बहुत छोटा सा इसको लाई थी, बहुत छोटा सा, लेकिन बहुत अच्छा ये ग्रो किया माशाल्लाह। अभी ये मुश्किल से 2 महीने का है, 2 महीने के अंदर इतना अच्छा सा ग्रो किया। बल्कि ये वाला तो 1 साल पुराना है ये वाला, और उधर ग्रीन है, मैं आपको ग्रीन दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा एक ये ग्रीन है, ये देखिए इसके अंदर भी, ये देखिए तमाम ये बेबी निकले हुए हैं, ये देखिए तमाम ये निकले हुए हैं। इन लोगों को भी मैं धूप दिखा देती हूँ। एक दिन में शावर करना बहुत ज़रूरी है। खाद में कोई ख़ास बात नहीं, बस वही मिट्टी है, बालू है और काउडन है, और कोई ऐसी बात नहीं है इसके अंदर। हाँ, बहुत तो MPK आप डाल सकते हैं कभी कभी इसे। खूबसूरती इसकी लाजवाब है, बेहतरीन है, अच्छा है। और जो लोग लगाते हैं ये सब पौधे इंडोर वाले हैं, जो कि इंडोर में हमारे लगे हुए हैं, इसलिए कि जाड़े में यहाँ धूप नहीं आती, जहाँ मैंने लगाया हुआ है गर्मी में धूप आती है, तो इसलिए मैं इसके ऊपर छांव कर देती हूँ, ऊपर से नेट लगाती हूँ आंगन में। और इसके बाद हम आपको दिखाते हैं ये देखिए ये मेरा शो प्लांट है, ऐसे ये देखिए शो प्लांट है। ये थोड़ा ये बढ़ता जाएगा, इसकी पत्तियाँ ये देखिए एकदम ये रेड होती चली जाएगी, बाद में ये लटकेगी अच्छे से। ये है मेरा एग्लोनीमा प्लांट, और भी बहुत सारे एग्लोनीमा प्लांट हैं जो मैंने बना के रखे हुए हैं, मैं आप लोगों को भी दिखा नहीं पाऊंगी, इसलिए मैं दिखा रही हूँ। इसलिए लोगों को आप शावर इनको बहुत ज़रूरी है, हफ्ते में 1-2 दिन शावर। आज मैंने शावर नहीं किया इन लोगों को, इसलिए कि आज हमको बनाना था तो चिपचिप करता पानी, इस वजह से मैंने नहीं किया। इन लोगों को मैंने कल धूप दिखाई थी, ठंडा भी जरा पड़ रहा है अच्छे से, तो इसलिए इन लोगों को पौधे में जरा सा ग्रोथ में कमी आ रही है जब ठंडा पड़ रहा है, इसलिए मैं आप लोगों को या आज ये मैं बताती हूँ। इसकी देख रेख में कोई ख़ास बात नहीं कि बहुत देख रेख करें बहुत, बस ये कि जैसे जैसे इसके अंदर ये शेड आएगा, इसमें येलो कलर का भी होता है इसके अंदर, मगर अभी मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तरह की वेराइटीज मेरे पास अभी इकट्ठा हुई है, ये लाई हूँ। अच्छा, ये ज़्यादा दिन का नहीं है, ये 2-3 महीने पहले का है, लेकिन इसका ग्रोथ माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ है। आप लोग भी लगाइए अच्छे से, इंडोर प्लांट लगाइए। मेरा घर तो ऐसा है कि इंडोर ज़्यादा लगता है, आउटडोर कम लगता है। अब मेरा हैंगिंग वाला भी पॉट बहुत सारा है, उसको भी इंडोर ही कहेंगे, इंडोर लगता है, आउटडोर भी लगता है। जैसे ये देखिए, अब ये पहले जब मैंने दिखाया था आपको, पहले के मुताबिक ये बहुत बढ़ गया मज़े से माशाल्लाह।
ये देखिए बढ़ा हुआ है अच्छे से, फिर उधर देख लीजिए वो बढ़ा हुआ है, फिर आइए मैं आपको इधर दिखा, ये देखिए ये भी मेरा बड़ा, ये भी इंडोर मेरा बड़ा हुआ है, इसके अंदर ये देखिए निकलता हुआ है, ये सब जो है ये भी मेरा बड़ा हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये प्लांट बहुत अच्छा लगा होगा, और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। लगाने को तो बहुत से लोग लगाते हैं, ऐसा नहीं कि मैं ही लगाती हूँ, बहुत से पौधे लगते हैं, मेरे घर में उतनी जगह नहीं है इसलिए। तो आप लोग भी लगाइए, अच्छे से इंजॉय करिए, अच्छे से ख्याल करिए, और इंशाल्लाह सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नेक्स्ट रेसिपी में हम आपसे मिलेंगे। बाय फ्रेंड्स।